यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैट ले लिया और आप सबको इसके प्राइस बता दो उसके प्राइस में। और ये मेल है फीमेल है? मेल है मेल। तो हमने मेल लिया है, देखो ये रहा। एक बार ट्राई करके देखो कैसे अभी पकड़ते ना। ये रही हमारी कैट, हमने कैट को यहाँ पर छोड़ दिया। और यार आप सबको एक मजे की बात बताता हूँ, इसके देखो यार इस बंदे का क्या हाल करा है इस बिल्ली ने, ये देखो। तो यार पंजे पंजे मार दिए, इसके आगे भी करे और पीछे भी। बट ये तो काफी ज्यादा छोटी है, ये वाली जो छोटी है ये अंकल, छोटे बच्चों के प्राइस में बताया 7,000 रुपए। मैं सोच रहा हूँ पिजन से लेने को, कितने प्यारे पिजन से, जितने भी परिंदे सारे गीले हुए हैं ये देखो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार व्लॉग की शुरुआत हो रही है ईदगाह से, तो देखो माशाल्लाह से कितना ज्यादा प्यारा वेदर हो रहा है। और हमारे साथ है अयान। और यार मेरा जो ये पिंपल यार ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा, पिछले व्लॉग में थोड़ा कम था, इस बार ये ज्यादा होगा, तो ये चले आएगा, इसको इग्नोर करना। तो मेन पर्पस पे आया था, आप सबको बताया था आज हम कहाँ जाने वाले। तो भाई बता दें आज हम कहाँ जाने वाले? आज हम जा रहे हैं कैट बाय करने के लिए। चलो मैं आप सबको बता दूं आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं लाल किला बर्ड मार्केट, वहाँ से यार कुछ पेट्स वगैरह लेंगे, तो बर्ड्स लेंगे या फिर कैट लेंगे, जो पसंद आएगा वो लेंगे। बट भाई ने सोचा कि इनको पर्शियन कैट चाहिए, लेकिन वहाँ चलकर देखेंगे अगर मिलेगी तो। वही चाहिए, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए? बड़ी चाहिए। चलो ठीक है, ज्यादा काइट उड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये बच्चे यही से उड़ा रहा है, मैं सोच रहा हूँ यही सोड़ा है क्या, इतनी सारी चीले उड़ रही है। देखो चीले तो हैं बट यार काइट्स भी तोड़ लेंगे। नहीं ये दिखे यार, वेदर यार कितना अच्छा लग रहा है ना आज, यही सोड़ाएंगे काइट्स? नहीं नहीं अभी हमें कैट बाय करने चलना है। चलो आओ। मेरे को एक बात का डर लग रहा है, बारिश ना आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलते हैं। पर बारिश आ गई है भाई, अब भी बता दे चलना है या नहीं? चलना तो जरूर है भाई, आज मैं कैट लेकर ही आऊंगा यार। चलो चलते हैं। फाइनली जामईद पर मांगो, यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई, यहाँ पर आती है और हमारी स्कूटी खड़ी हुई, कब से बारिश रुकने का वेट कर रहा है। मैं कैट ले पाऊंगा भी नहीं, इतनी ज्यादा रुकावट आ रही है। अब जामा मस्जिद पहुंच गया और तेज बारिश हो गई, बस बारिश रुकने का वेट कर रहा है यार। मैं तो पूरा गीला हुआ, यहाँ पर बारिश रुकी नहीं रही, देखो पूरा गीला हुआ है। और ये तो बच गया क्योंकि स्कूटी मैं चला रहा था, पूरा गीला हुआ ये देखो। और आधी शेडिंग की सूखी हुई है, फ्रंट नहीं गीला हुआ। चलेंगे बारिश के अंदर ही, चलेंगे गीले होते हुए यार। A few moments later. अब 10-15 मिनट वेट करने के बाद बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, देख सकते हो आप। आधे घंटे वेट करा, 10-15 मिनट नहीं, पूरा आधा घंटा हो गया। चलो चलते हैं यार, अब जल्दी चलते हैं। चलो पहुंच गए ऊपर की साइड तो हम आ गए। देखो ये रहा यहाँ पर जामा ही, तो और हर बार हम यहाँ पर स्कूटी पार्क करते हैं, बट हम इस बार हमने पीछे पार्क करी है। कितनी दूर जाना है और यहाँ पर बस इससे इधर की साइड लाल किले के बिल्कुल सामने फ्रंट साइड पे। और यार ये तो फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो आज से पहले गया नहीं बर्ड मार्केट, गया तू? नहीं मैं नहीं गया, फर्स्ट टाइम गया यार। मैं सोच रहा हूँ जितने पैट्स वगैरह होंगे सारे गीले गीले होंगे यार, गीले भी लेगा क्या, रहने देता बाद में ले लेंगे किसी और दिन। नहीं लेकर तो आज ही जाऊंगा। फाइनली पहुंच गया यार बट मार्केट, देखो हो रही सामने, यहाँ पर हम आ दो। बट मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पर ये वीडियो बनाने देंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। क्यों? तो वो तो वीडियो हम अपनी बनाएंगे ना, इनकी थोड़ी बनाएंगे। जितने भी परिंदे हैं सारे गीले हुए ये देखो, सारी गीली हुई है। तो यार बारिश की वजह से ये ले ले भाई, पेयर ले ले। अरे यहाँ पर तो कोई भी वीडियो बनाने नहीं दे रहा बिल्कुल भी, आप सबने देखा होगा वीडियो के अंदर यार है, मूड खराब होगा इसका। सोच रहा हूँ यहाँ पर हम कैट लेते हुए वीडियो कैसे बनाए। कोई बात नहीं यार, कैट तो लेनी है, अब कैट लेकर चलते हैं, सब वीडियो तो अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप सबसे मिलता हूँ यार, मैं सौदा करके पहले कैट ले लेते हैं और थोड़ी बहुत मैं क्लिप लूंगा थोड़ी बहुत। और यहाँ पर हमें यार पिजन दिखे, मैं सोच रहा हूँ पिजन से लेने, वो कितने प्यारे पिजन से ये ले लेंगे। तो है मेरे पास बहुत सारे, ये नहीं लेने। चलते आगे वाली शॉप पर, बट यार मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, थोड़ी बहुत बनाऊंगा। कैट की शॉप में देखो यहाँ पर बहुत सारे कैट्स हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे ले लें, इस पर बात करते हैं अभी। बट ये तो काफी ज्यादा छोटी है, ये वाली जो छोटी है ये, छोटे बच्चों के प्राइस में बताया 7,000 रुपए। छोटे इतने मिल रहे हैं, 7,000 रुपए की है, 6,000 की भी है, बट हमें तो बड़ा लेना है। बड़ा लेगा छोटा? बड़ा बड़ा। ये पूरा क्या कहते हैं, ये तो दो दो महीने के छोटे, दो दो महीने के छोटे हैं ये, छोटी छोटी कहते सो रही है। यहाँ पर तो हमें कैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ पर छोटी कैट्स हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस भी महंगे हैं ना। हाँ महंगे। अब आगे वाली शॉप पे चलते हैं, यहाँ पर पैरट्स वगैरह हैं, बट यहाँ पर क्या कहते हैं कैट वगैरह है नहीं। बड़े बड़े अलग यूनिक तरीके से उनकी दुकान पे कैट्स नहीं, बट यहाँ पर वो दूसरी वाली शॉप है, शॉप पे इन्होंने भाई ने बोला भी कॉल करके मंगाइए कैट्स, तो देखते हैं यहाँ पर 6,000 की। और कैट के प्राइस उन्होंने बताया 6,000 रुपए। तो यार 6,000 रुपए सही है, मैं तो सोच रहा हूँ 5,000 की रही है, थोड़े बहुत नेगोशिएबल कराएंगे उनसे भी ले लेंगे। कैट मुझे अच्छी लग रही है, व्हाइट कलर की पर्शियन कैट है। फोटो दिखाया उन्होंने, वो लेने गए वो
अब देखते हैं वो हमें लेते भी हैं। लेकिन यार वो वीडियो बनाने को मना कर रहे हैं, कैसे बाहर बना लेंगे हम, कोई बात नहीं। और हमारे साथ एक और बंदा आया था, इसको मैंने वीडियो में नहीं लिया था। तो तेरे को कौन सी कैट पसंद आई? मेरा ब्लैक पसंद आई है। ब्लैक वाली? और तेरे को यार? मुझे तो व्हाइट ही चाहिए, व्हाइट पसंद आ रही है। चलो देखते हैं वो कौन सी लेंगे। अबे यार ये क्या कर दिया ये? तो यार देख सकते हो मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बट मार्केट के अंदर, बटन ने देखो क्या करा है, क्या हरकत करी है। भगाना चाह रहा है तुम्हें यहाँ से? वो मेरे फोन के ऊपर बीट कर दी। यार ये तो यार ये कोई ये रहा वो हमजा का दुश्मन, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। यार मेरा फोन गंदा कर दिया इसने। क्या करना है इसका? पूरा फोन गंदा कर दिया इसका, उड़ गया, मैं छोड़ा है। उड़ गया देखना, पूरा गंदा कर दिया, मेरी पूरी शर्ट भी गंदी कर दी इसने। यार देखो फाइनली कैट आ गई। ये रही तो भाई देखो, ये रही हमारी कैट, मैंने पकड़ ली रखा है, तो मेरे को पकड़ना नहीं आ रहा, इसको पकड़वा रहा है। एक बार ट्राई करके देखता हूं मैं, कैसे आनी पकड़ लेना। तो भाई तू पकड़ ले इसको, बढ़िया मार रहा यार, इतनी ज्यादा खतरनाक खतरनाक। यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैट ले लिया। और आप सबको इसके प्राइस बताया था, उसके प्राइस उन्होंने 6,000 रुपये बताए थे, लेकिन हमने नेगोशिएबल करके 5,000 रुपये की हमने कैट ले ली। आप सबको कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी 5,000 रुपये की, देखो कितनी अच्छी है। और ये मेल है फीमेल है? मेल है, मेल। तो हमने मेल लिया है, देखो ये रहा कैसे लगा यार तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको भी हाथ में नहीं ले रहा क्योंकि एक बार हाथ में तो लेकर दिखा यार, घर में भी तो लेकर छूट रहा है इसके। देखो और यार शर्ट देखो उसकी, जाली शर्ट, पूरी शर्ट पे बाल होगा यार, जब भी मैं नहीं पकड़ ला। बड़ा हरामी हो बेटा। और सौदे की वीडियो में बना नहीं पाया, उन्होंने मना करा था वीडियो बनाने के लिए। इसको घर लेकर चलते यार, मेरे पूरे कपड़े जितने भी कपड़े सारे में इसके वाइट वाइट बाल लग गए, देखो आप सबको दिख रहे हो तो। ये देखो भाई हमारी कैट यार, इसका नाम कुछ बता, नाम क्या रखे इसका नाम? अभी सोचेंगे इसका नाम। सोमिन, सोमिन भाई लड़का है यार, फीमेल है ये। सोमिन, सोमिन ये कौन सा नाम है? अपने जैसे ही नाम रखियो तू। ओ यार ये देखो, इस बंदे को परेशान कर दिया कैट ने यार। अच्छा हुआ हम दोनों ने पकड़ ली रखी भाई, कहाँ चढ़ गई है भाई। हमने कैट ले तो ली बट इसको खिलाएंगे क्या भाई? ये तो पूछा ही नहीं मैंने उनसे। चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बता देगा, उसके पास भी है वाली कैट। देखो कैसे लग रहा है कैट, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। बस मेरे को एक बात कर रहा है, ये कूद ना जाए वरना तो ये सारी कीचड़ कीचड़ में हो जाएगी। भाई कैसी लग रहा है इसके साथ? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है। और इसकी आईज देखो यार, कौन से कलर की आईज है इसकी? येल्लो, येल्लो कलर की आईज। यार मेरे को लग रहा है इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसके देखो कैसे मुँह खोल रही है ये। चलो इसको घर पे आके सबसे पहले पानी वगैरह पिलाएंगे। इस वक्त हमें बकरा मंडी के अंदर, जमाईत बकरा मंडी, यहाँ पर बकरा मंडी लगती थी, याद है उस दिन यार कैसे घूमते थे यहाँ पर हम? यहाँ पर तो रोज आते थे हम, यहाँ पर रोज आते थे, यहाँ पर बहुत सारा बकरे लगे हुए थे। अगर आप सबने देखा हो वीडियो में, हर जगह बकरे ही बकरे थे यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अभी भी बकरे मिल रहे हैं, छोटे छोटे बकरे के बच्चे हैं बैठे हुए तीनों, ये रहे कुछ बकरे। बात तो बताए यहाँ पे कौन सा रास्ता हमारा घर जाने का? उधर से ही चलेंगे शॉर्टकट से, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश हो रहा है और कीचड़ कीचड़ भी हो रही है। शॉर्टकट है यहाँ पे? हाँ तुम पकड़ो यार, बहुत ज्यादा पंजा मार दिए। क्या हुआ भाई? ये देख तो लो, पकड़ लिया पंजा मार दिए। देखो भाई इसके कितने ज्यादा खतरनाक पंजा मार दिए, और कहीं भी मार है। और ये रही हमारी कैट, हमने कैट को यहाँ पर छोड़ दिया। और यार आप सबको एक मजे की बात बताता हूँ, इसके देखो यार इस बंदे का क्या हाल करा है इस बिल्ली ने, ये देखो। हमको जिंदा मत छोड़ो सालों, यार पंजे ही पंजे मार दिए इसके, आगे भी करे और पीछे भी। संभाल लो, अगर ये भाग गई ना तुम्हारे किसी के भी हाथ में नहीं आएगी। ऐसे छोड़ दिया मतलब मेरी गाड़ी को तुमने? तो भाई ये चल क्यों नहीं रही ढंग से? ठीक है यार, ओके, वो बस यहाँ पर चलने की आदत है ना, ऐसे पत्थरों में थोड़ी चलती है ये। फाइनली पकड़ा तो इसके पंजे, बहुत सारे पंजे पंजे मार दिए इसने, पकड़ लिया ने अब। ये देखो कैसा बंदा है, वीडियो बनाने के बस वीडियो के अंदर इनने अपने हाथ में ली थी, बाकी इसके इसके हाथ में दे रही वापस से। बहुत ज्यादा तेज बंदा है यार ये। चलो चलते हैं अब घर। यार स्कूटी पूरी फेंक रही है मेरी, पता नहीं किसने यार, देख रहा है क्या करा इन्होंने? स्कूटी किसने फेंकी तेरी? पता नहीं यार, यहाँ के लोग होंगे कुछ, वैसे लोग नहीं है मेरे ख्याल से, स्टैंड से ये फिसल के इधर चली गई आगे। किसी ने फेंकी है भाई, तो मेरे पास से तो डाले, तो मेरे पंजे मार रही है। अब यार हटाओ उसको, अब देखो इसकी बारी हम देखे, इसके पंजे मार पड़ी जाएगी। नहीं हटा ले यार इसको, अयान अयान यार तू बैठ पीछे, इसको स्कूटी पर लेकर यार, ऐसे तो ये मेरे पूरी पंजे मार देगा, कसम से मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी पूरी। A few moments later. घर पर भी हम आ गए थे और आज बहुत ज्यादा थक गए यार, बहुत ज्यादा मतलब बहुत देर से गए हुए थे हम। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखना, टाइम 7:30 हो रहे होंगे, 7:30 बज रहे हैं। और हम कितने बजे गए थे? दो या तीन बजे गए थे, एक तो बारिश की वजह से लेट हो गए थे ना हम। और ये देखो ये रही हमारी यार बिल्ली, बिल्ला जो भी है, बिल्ला है ना, मेल है, इसको हम बिल्ला बोलेंगे। देखो ये रहे, चलो यार जल्दी से इसको पानी वगैरह पिला देते हैं, बहुत ज्यादा प्यासी होगी। तो मैंने कुंडेली के अंदर पानी करके रख दिया, देखते हैं पीती भी है नहीं यार, लाइए उसको। ले आओ ले आओ, आ जाओ आ जाओ, क्या नाम है इसका, सोमेन वोमेन जो भी है, ये देखो सोमेन पिलाओ।
पी क्यों नहीं रही है? पी लेगी पानी में। हड़िया पी लेगी। और हाँ यार, हमें बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, तो भी मैंने घर पर मैगी बनने को बोला, तो हमारी मैगी आ रही, तो वो खाएंगे अभी हम। यार मैगी अच्छी तो नहीं लगती, तू कह रहा तो खा लेंगे। वेलकम वेलकम यार मैगी, यार ये बहुत ज्यादा स्पाइसी हो रही है, मजा आएगा उसको खाने में। स्पाइसी सोमिन बाहर ना चले यार, सोमिन बाहर मत जा। ये रही हमारी मैगी, और मैं सोच रहा हूँ स्वमिन को भी खिला देंगे मैगी, खा लेता है ये। नहीं यार, इसको पकड़ कर बैठना पड़ रहा, बाहर भाग रहा है। बाहर भाग रहा है, चलो खाते हैं। अगर आप कमेंट करके जरूर बताना इसका हम क्या नाम रखे, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हुआ? और हम मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, मगरिब का टाइम हो रहा है नमाज का। बाय, अल्लाह हाफिज़। और मैंने लाइट बंद करके देखो, इसकी आइस कितनी ज्यादा डेंजर लग रही है, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है इसकी आइस।